हेलो हेलो हाय 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 हाय, पूरी जमीन के सितारे मैं बहुत मशहूर हूँ जी टेलीविजन का, उनकी एवर्ड एकेडमी का और सुभाष चंद्रा साहब का और करीम मोरानी साहब का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इतने असीन लोगों के दरमियान में आया हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा जो बड़ा फ़ैन हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम एक दूसरे को जानते हैं, मीडिया का पावर क्या है कि विद इन 30 सेकेंड आप फिंगर टिप्स के ऊपर पूरी दुनिया का हाल पता कर सकते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। यह रिमोट कंट्रोल का पावर है। अमिताभ बच्चन साहब यहाँ बैठे हैं, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ और आज मैं इनको पहली मर्तबा जिंदा देख रहा हूँ। आई मीन मैंने इनको हमेशा फिल्म के पर्दे पर ही देखा है, लेकिन आज पहली मर्तबा देखा, बहुत खुश हुआ हूँ। खुदा इनको बहुत लंबी उम्र दे, बहुत बड़े कलाकार हैं। बहुत बड़े कलाकारों में इनका शुमार होता है। और मैं कल इनकी फिल्म देख रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ रिमोट कंट्रोल क्या है। कल मैं इनकी फिल्म देख रहा था, फिल्म में इनकी शादी हुई जिया पर्दा से, पूरी रात मैंने इनको घूंघट नहीं उठाने दिया। जब ये गए मैंने रिवाइंड किया, वापस बाहर ले आया इनको। दो तीन दफा करीब भी लेके गया इनको, फिर कमरे से बाहर ले आया, फिर रात को फिल्म निकाल कर सोया कि मैं यहां सो जाऊं, ये कहीं वहां ना सो जाए। ये रिमोट कंट्रोल के पावर्स बता रहा हूं मैं आपको कि पावर क्या है रिमोट कंट्रोल का। तो आज की इस तकरीब के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं कितने खुशहाल नजर आ रहे हैं। जो लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ आए हैं उनकी तो खुशी काबिले दीद है, लेकिन जो अपनी बीवियों के साथ बैठे हुए हैं उनके हालात बहुत खराब हैं। उनके दिलों के हाल मैं जानता हूं। बैठे हुए हैं ये रोमांटिक स्टाइल बना के, थोड़ी सी वाइफ आगे, थोड़े हस्बैंड पीछे हैं, कोनी यूं रखी हुई है, लोग समझ रहे हैं रोमांटिक पोज है। नो, ये गुर्दे पे कोनी सेट की हुई है, जरा से इधर उधर हुए डम। शौहर बीवी के साथ बैठा, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे फलस्तीनी इसराइली के बराबर में बैठा हुआ। मैं खवातीन की कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ खवातीन की, आई लव। लेकिन खवातीन, चार शादियों की इजाज़त है हमारे यहाँ और 70 हूरें मिलेंगी ऊपर। औरतें कहती हैं चार शादियाँ क्यों करते हैं, इसलिए कि औरतें ज़्यादा हैं मर्द कम हैं, और औरतें मरती भी कम हैं। क्यों नहीं मरती मुझसे पूछिए, क्यों नहीं मरती पूछिए क्यों। मेकअप, सारा दिन मेकअप करके घूमती हैं, रात को मुंह धो के सो गई, मौत का फरिश्ता आया देखा, अरे ये तो कोई और है, बच गई। क्योंकि ये बहुत अजीब सी बात मैं आपको बताने लगा हूं कि फिल्म इंडस्ट्री जो होती है, ये शोबिज जो होता है, इसके अंदर इंसान जो होता है बस वो कोशिश करता है। और आज के इस शो में, जी अवार्ड में, मेरे आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि फासलों को ख़त्म होना चाहिए, इंसानियत का प्यार बढ़ना चाहिए, हमें फासलों को ख़त्म करना है। जब हम चलते हैं किसी भी मुल्क में जाते हैं तो सबसे पहले हम एयरलाइन को चूज करते हैं, कहाँ पे जाएंगे हम, एयरलाइन। अब एयरलाइन आप चाहें जैसे एयरपोर्ट पे जाएंगे, एक आवाज़ आपको हमेशा आएगी एयरपोर्ट पे, लेडीज एंड जेंटलमैन, ख़वातीन हज़रात, फ्लाइट 303 रवानगी के लिए तैयार है, मुसाफिरों से दरख्वास्त है जहाज़ पे आ जाए ना। आप जब जहाज़ पे जाते हैं, बोर्डिंग कार्ड के मेन गेट पे बोर्डिंग कार्ड जो लेती हैं खातून, वो पतली सी होती है, थोड़ा सा आप लेट हो जाते हैं, बड़े घबरा के पूछती हैं कहाँ रह गए थे आप, घरेलू सा माहौल बन जाता है। फिर हल्की सी आंखों में आंखें डाल के, पीछे मेरे पीछे आइए ना, एक तो मर्द ऊपर से बच्चे वाला, बच्चे फेंक के उसके पीछे चले जाते आदमी।
जुल्म है खुदा का। आप सोचिए 50,000 रुपए का टिकट है, 50,000 का लाख लाख रुपए का टिकट है, और इतनी मोटी मोटी औरतें हैं। जैसी औरतें घर में छोड़ के जा रहे हैं वैसी जहाज में मिल रही हैं। वो जाने का फायदा क्या भाई? फिर आप सोचते हैं वो पतली वाली लड़की आपके जहन में होती है, आप सोचते हो कि यार बैल देते हैं, उसको बुलाते हैं, आप बैल दबाते हैं, एक अजीब सी औरत निकलती है, क्या चाहिए? आदमी हाथ जोड़ लेते हैं, बस अल्लाह से पनाह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिल्में बेशुमार बनती है, हम सब देखते हैं, कोई गलत बात नहीं करता, कोई कहता कि हम नहीं देखते इंडियन मूवी, सब इंडियन मूवी देखते हैं, बड़ी बड़ी फिल्में हम देखते हैं, आप भी देखते हैं, हम भी सब देखते हैं। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो याद रह जाती हैं, जैसे फिल्म है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शाहरुख खान, आमिर खान। इंडिया में 3 पठान बड़े मशहूर हुए, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान। सलमान खान को तो मैं एक मशवरा दूंगा कि यार अब कोई कमीज भी सिलवा लो, पतलून तो बहुत हो गई आपके पास। शाहरुख खान भी पठान है, आमिर खान भी पठान है, और सलमान खान भी पठान है। और इनके वालिद सलीम खान, जो सलीम जावेद के नाम से स्टोरियाँ लिखते थे, अमिताभ बच्चन साहब की शुरू की सारी हिट फिल्में उन्होंने लिखी हैं, वो सलीम खान साहब अब अलग हो गए। वो लोग मुझे मिले, सलीम खान साहब, मैंने कहा आजकल क्या कर रहे हैं आप खान साहब? तो पठान ज़रा सीधे साधे होते हैं। बोले आजकल मैं बस फिल्में नहीं लिख रहा हूँ, किताब लिख रहा हूँ। मैंने कहा कौन सी किताब लिखी है? बोला मैंने किताब लिखी है घोड़ा कैसे चलता है। मैंने कहा अच्छा, कितने सफ़ों की है? बोला 200 सफ़ों की है। मैंने कहा मुझे दिखाया, उन्होंने मुझे किताब दिखाई, पहले सफ़े पे लिखा हुआ घोड़ा कैसे चलता है, 199 पेज पे लिखा हुआ टकाटक 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 टकाटक। पठान हैं बड़े सीधे साधे लोग, बड़े सीधे साधे लोग। एक सरदार और एक पठान, सरदार भी बड़े सीधे साधे लोग। पठान इतने सीधे साधे होते, एक पठान अपने घर में दाखिल हुआ, कान के नीचे हाथ रखा हुआ, बीवी ने पूछा क्या हुआ? बोला बस वैगन के अंदर बैठा हुआ था, उसमें खिड़की में कील था, वो झटका लगता था, कील लगता था, खून निकला है। बीवी ने बोला तुम किसी से सीट बदल लेते? बोला किस से बदलता, पूरा वैगन तो खाली था। सरदार भी बड़े सीधे होते हैं। मैं प्रोग्राम करने के लिए गया, सरदार जी लंदन में, मैंने कहते तू प्रोग्राम किया उमर शरीफ, मैं तेन बड़ा पसंद किया हा, तो इस कारण मैं तेन जरा लंदन फराव ले चलिया। मैं चलो घर से बाहर निकलने लगे तो दरवाज़ा खोला, सामने केले का छिलका पड़ा हुआ, उसको देख के सरदार जी कहने लगे ओ मेरे रब्बा आज फिर फिसलना पाएगा। यहां पर बेशुमार फिल्मी शख्सियत बैठी हुई हैं, बेशुमार फिल्मी शख्सियत बैठी हुई हैं। मैं बहुत एक बार मशकूर हूँ जी टेलीविजन का। ख्वातीन के बारे में मैं इतना कहूँगा कि ख्वातीन बहुत कसीर तादाद में यहाँ मौजूद हैं। हजरात तो कहीं कहीं बरकत में एक आधा रखे हुए बीच में। औरतों को हर आदमी मुतमईन नहीं कर सकता, इनको दौलत दे दे, हीरे दे दें, ये रोती ही रहती हैं। हमारे मोहल्ले में खातून 10 बच्चे उनके, और हर वक्त रोती रहती हैं, बहन सच्चा प्यार नहीं मिला। पता नहीं इन्होंने सच्चा प्यार कहां तक सोचा हुआ है, उनके सच्चे प्यार की क्या मिसाल है। तो फिल्में देखने का इत्तेफाक हुआ मेरा, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कमाल फिल्म थी। लेकिन मैं सोचता कभी ना कभी मिस्टेक कहीं ना कहीं होती, इतनी अच्छी फिल्म थी दिल वाले दुल्हनिया। आखिरी सीन देखने वाला है, अमरीश पुरी साहब ने काजल का हाथ पकड़ा हुआ, काजल का हाथ पकड़ा हुआ अमरीश पुरी साहब ने, और उसके बाद इतने इतने निकले हुए ट्रेन में से शाहरुख खान, आ जा। वो कह रही बापू मुझे छोड़ दो, मैं इसके बगैर नहीं रहूंगी, बापू मुझे छोड़ दो। वो अमरीश पुरी गुस्से के अंदर आ गए, नहीं ये हमारी परंपरा का सवाल है, वो चीख रहा है आ जा। वो कह रही बापू मैं नहीं रह सकती, आ जा नहीं रह सकती। ट्रेन की आवाज आ गई, झाकड़ पाकड़। ट्रेन चल पड़ी, बाप ने लड़की का हाथ छोड़ के कहा जा बेटी जा, वो तुझसे बहुत प्यार करता है। लड़की भाग रही है, अब ट्रेन तेज हो रही है, कहीं हाथ हाथ में आ रहा है, कहीं निकल रहा है, औरतें देख रही है, रो रही हैं, अल्लाह मैं नफिल पढ़ूंगी, इसका हाथ इसके हाथ में आ जाए, अल्लाह मैं नफिल पढ़ूंगी। बच्चा आ गया तीन, अम्मी खाना दफा हो जाए, मदद कीजिए। हाथ में कभी हाथ आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी शाहरुख खान, प्लेटफॉर्म खत्म हो रहा है, टेंशन थ्रिल क्रिएट हो रही है डायरेक्टर की। यार इतने पढ़े लिखे लोग हैं यार, जंजीर खींचो 50 रुपए दो, टेंशन खत्म करो यार।
लेकिन ख्वातीन का जिक्र ना करें तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। ख्वातीन मेकअप करती हैं अल्लाह के फजल से, लेकिन यहाँ तो किसी ने भी मेकअप नहीं किया हुआ, सब नेचुरल ब्यूटी है। और बच्चों को भी कम लाई हैं औरतें आज, बच्चे छुपा देती हैं कहीं भी ज़्यादा, मैंने बच्चे छुपा देती हैं, मेहमान आ जाए ना लाला बड़े बड़े बंद करो, दो छोटे छोटे ले आओ, पहला है पहला, पांचवें छठे को पहला, दूसरे पे मुकर ही जाती है, पड़ोस का आ गया था। आज भी आई होंगी तो बच्चों को समझा के लाई होंगी, खबरदार मुझे वहां अम्मी कहा जान से मार दूंगी, बाजी कहना बाजी। आज सुबह से मेकअप करने बैठी होंगी टकटक ब्रश, अभी मैं किसी से पूछूं आपने मेकअप किया, खातून कहेंगी आई हैव मेकअप ऑल द वे, यू चेक माय परचेस, नो मेकअप। और वाकई में नहीं होगा, छोटा सा ब्रश होगा, आईब्रो टिक 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 टिक, वो घर में रखें बड़े वाले ब्रश जिनसे दरवाजों पे वार्निश होता है, वो डुबोया टकटक टकटक। जो ज्यादा जल्दबाज खवातीन उन्होंने कूचियां रखी हुई है, एक ही घुमाई घर जो बच गया उसमें बच्चे तैयार, शपड़ शपड़ छड़ा, फिर आगे प्रोग्राम में बैठ गई, ऊपर से बारिश हो गई, अब जो ऊपर मुंह पे पानी पड़ा है, अंदर से ओरिजिनल सामान निकला है, अपने बच्चे गोदों में से छलांग मार के भाग गए, हमारी मम्मी कहाँ है, शौहर बाहर गए हुए थे, बीवी से आके पूछ रहे बहन यहाँ मेरी बेगम बैठी थी आपने देखी, एंड थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।